हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। देखो हम समझते हैं स्टेटमेंट क्या है इसकी। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। दैट इज वी कैन से दैट वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ये स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम की या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि मान लो ये हमारे पास में कोई बॉडी है, वी अप्लाई सम फोर्स एफ ऑन दिस बॉडी एंड सपोज ड्यू टू दिस फोर्स सम वर्क इज डन ऑन दिस बॉडी, राइट? एंड वी कैन से दैट इफ ड्यू टू दिस फोर्स देर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये थ्योरम है। सो इस थ्योरम के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि वर्क और एनर्जी क्या होते हैं? इक्वलेंट। वी कैन से दैट वर्क एंड एनर्जी आर इक्वलेंट। सिंपल सा मीनिंग हो गया अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एंड एनर्जी आर इक्वलेंट। देखो हमने यहाँ पर यह कहा कि मान लो ये हमारे पास में कोई बॉडी है, इस पर हमने कुछ फोर्स लगाया और मान लो इस फोर्स की वजह से कुछ वर्क होता है, राइट? देन दिस वर्क विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं, सपोज ए बॉडी इज इन मोशन, इट मींस दिस बॉडी हैव काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी इसमें है मोशन में, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, वी अप्लाई सम अपोजिंग फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज अपोजिंग फोर्स, राइट? नाउ अगेन वी आर डूइंग सम वर्क बाय दिस अपोजिंग फोर्स इन स्टॉपिंग द बॉडी। इस बॉडी को रोकने में क्या हो रहा है, इस अपोजिंग फोर्स के द्वारा कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। देन अगेन वी कैन से दैट इफ सम वर्क इज डन बाय दिस अपोजिंग फोर्स देन ड्यू टू दिस अपोजिंग फोर्स देयर इज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी कैन से दैट डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी और वी कैन से दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी अगेन इक्वल टू वर्क डन बाई दिस अपोजिंग फोर्स इन मी। इट मीन्स इन एनी केस इफ वी डू द वर्क अगेंस्ट द फोर्स और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन द वर्क डन बाई द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम। ये तो थी हमारे पास में स्टेटमेंट। अब इसको हम प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करना है हमें? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सो मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m और इस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या मान लेते हैं, u। नाउ सपोज सम फोर्स F is applied on the body, then we can say that force F is equal to क्या होगा, F is equal to ma। Suppose हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट था जिसका मास कितना है m, इसके ऊपर हमने फोर्स कितना लगाया F, and due to this force जो displacement, small displacement मान लेता हूँ मैं, ds is small displacement in the direction of force, at vector F is applied force, ds is small displacement due to this force. Now we know that force F is equal to m, a k acceleration, acceleration is rate of change of velocity. If we assume that dv is small change in velocity in small time dt, then we can write F is equal to m dv by dt. Now small work done by this force for small displacement ds. If we calculate small work done for small displacement ds, then small work done dw, we can write it as f dot ds. Here force and displacement we have taken in same direction, then we can write it as f ds cos 0, and we know that cos 0 is 1, or we can say that f is equal to m, or एक्सेलरेशन की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, डी वी बाई डी टी इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी एस।
दिस इज स्मॉल वर्क. नाउ इफ वी कैलकुलेट टोटल वर्क इन चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम यू टू वी, देखो वी कैन राइट दिस रिलेशन एज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, और यहाँ पर डी वी अपॉन डी टी इन टू डी एस. वी नो दैट डी एस अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी. इफ हम डी एस अपॉन डी टी की जगह वी पुट कर देते हैं और यहाँ पर क्या आ गया डी वी. सो दिस इज स्मॉल वर्क डन इन चेंजिंग द वेलोसिटी बाई स्मॉल क्वान्टिटी डी वी. स्मॉल वर्क बाई चेंजिंग द वेलोसिटी फॉर चेंजिंग द वेलोसिटी बाई स्मॉल अमाउंट डी वी. इफ वी कैलकुलेट टोटल वर्क देन वी कैन कैलकुलेट टोटल वर्क बाई इंटीग्रेटिंग दिस रिजल्ट. हमने क्या माना, इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी थी u, ड्यू टू दिस फोर्स मान लेते हैं वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v. ये मान लेते हैं इस बॉडी की वेलोसिटी कहाँ तक चेंज होती है u से v तक. देन टोटल वर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाई इंटीग्रेटिंग दिस रिजल्ट फ्रॉम u टू v. वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इज स्मॉल वर्क, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा टोटल वर्क W इज इक्वल टू एम इज मास. वी नो दैट मास इज कॉन्स्टेंट, देर इज नो इफेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन. मास को हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन रह गया U से V तक, और हमारे पास में ये क्या बचा V dV. याद होगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ x dx. वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू x स्क्वेयर बाई टू. यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन राइट वर्क इज इक्वल टू एम मास एज इट इज. वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा वी स्क्वेयर बाई टू, और लिमिट लेते हैं इसकी यू से वी तक, राइट. और वी कैन राइट दिस वर्क इज इक्वल टू टू को भी हम बाहर ले आते हैं, सो क्या बचेगा हमारे पास में वन बाई टू एम, और पुट कर दो यहाँ पर अपर लिमिट वी की जगह पर लिमिट वी स्क्वेयर माइनस में लोअर लिमिट यू स्क्वेयर. सो वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस में हाफ एम यू स्क्वेयर, राइट. और वी नो दैट हाफ एम वी स्क्वेयर इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज आल्सो काइनेटिक एनर्जी, बट यू इज इनिशियल वेलोसिटी. सो वी कैन से दैट हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. सो वी कैन राइट दिस रिजल्ट एज वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और वी कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में इनिशियल. इसको हम क्या कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम. सो यही हमें यहाँ प्रूव करना था कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन ऑन ए बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वी कैन से दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. सो वी नो दैट वर्क एंड एनर्जी आर इक्वलेंट. वन मोर थिंग जो हमें यहाँ से क्लियर करनी है, देखो ये जरूरी नहीं है कि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन मे आल्सो बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो वहाँ पर क्या बनेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो मतलब अगेन वी कैन से दैट वर्क एंड एनर्जी आर इक्वलेंट. वर्क डन ऑन ए बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द बॉडी. सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग.